हेलो दोस्तों, टेक्निकल एमडी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रियलमी एक्स 50 5G की चाइनीज वेरिएंट वाली अनबॉक्सिंग। तो देखते हैं कि इस फोन में क्या देखने को मिलता है। बॉक्स के ऊपरी सेक्शन की ओर जो हमें केस देखने को मिल रहा है फोन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और यहाँ पे जो हमारा यह मेन डिवाइस है, चलिए रैपर को हटाते हैं इसके ऊपर से। तो यहाँ पे ब्लू कलर में जो है कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट फिनिश वाला डिज़ाइन हमें देखने को मिल जा रहा है। फोन को रखते हैं साइड में, तो यहाँ पे निचले सेक्शन की ओर जो हमें एक चाइनीज वेरियंट वाला चार्जर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जो USB-C केबल देखने को मिल जा रही है। फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें एक बड़ा सा डिस्प्ले 6.5 इंच का देखने को मिल रहा है, जो कि फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले है और LCD टाइप डिस्प्ले है। डिस्प्ले की जो रिफ्रेश रेट है 120Hz पे यह वर्क करता है। 20:9 का जो है एस्पेक्ट रेशियो है, 90.4% का जो है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। फ़ोन में जो है आपको राइट साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। रियलमी जो है इस फ़ोन के साथ जो है फिंगरप्रिंट सेंसर का पोजीशन बदला है, तो काफ़ी अच्छी बात है, नया कॉन्सेप्ट है। और फ़ोन में जो है आपको 12 GB का रैम और 256 GB का इनबिल्ट स्टोरेज दिया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं इस फोन की कैमरा सेटअप के बारे में। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है क्वाड कैमरा सेटअप। प्राइमरी लेंस के बारे में बात करें तो 64 मेगापिक्सल का है, जिसकी अपर्चर f1.8 दी गई है। सैमसंग का GWI सेंसर इस्तेमाल किया गया है। उसका जो दूसरा लेंस है वो आपको 12 मेगापिक्सल का है, टेलीफोटिक लेंस है और f2.5 की अपर्चर पर वर्क करती है। तीसरा जो लेंस है आपको 8 मेगापिक्सल का है, 119 डिग्री जो है अल्ट्रा वाइड एंगल फोटो क्लिक करता है। और जो चौथा कैमरा है आपको मैक्रो लेंस है 2 मेगापिक्सल का, और f2.4 की अपर्चर दी गई है। सेल्फी के लिए जो है ड्यूल पंच होल कैमरा सेटअप दिया गया है। प्राइमरी लेंस जो है आपको 16 मेगापिक्सल का, और जो दूसरा लेंस है आपको 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं इस फोन की प्रोसेसर की, तो इसमें इस्तेमाल किया गया स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर, जो कि 5G प्रोसेसर है और बहुत ही बेहतर प्रोसेसर है। गेमिंग प्लस मल्टीटास्किंग के लिए जो है यह प्रोसेसर सबसे बेस्ट है, और ड्यूल मोड 5G पे वर्क करता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे दोनों सिम जो है आपको 5G के साथ आता है। उसके बाद बात करते हैं इस फोन के बारे में, जो सबसे खास है एंड्रॉयड 10 पे यह फोन रन करेगा, वर्जन के बारे में बात करें। और हाँ, ये रियलमी का यह पहला ऐसा फोन है जिसकी अपनी UI है। यहाँ पे जो यह ओप्पो की UI यूज नहीं किया है इस फोन ने। अब बात करते हैं इस फोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में। यहाँ पे आपको 4300 mAh की जो है बैटरी कैपेसिटी दी गई है। 30W का वूक चार्ज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो है हम फास्ट चार्ज कर सकते हैं, और रियलमी दावा करता है कि 30 मिनट में 70% इस फोन को चार्ज कर दिया जाएगा। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो USB-C ड्यूल मोड 5G इस फोन के साथ आ जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है आपको राइट में दिया गया है, जो कि मैंने पहले ही वीडियो में आपको दिखा दिया था। अब बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइस के बारे में। तो इंडिया में इसका प्राइस 19,000 से लेकर 25,000 के बीच होगा जब यह फ़ोन जो है लॉन्च होगा। अब आपका इस फ़ोन के बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस फ़ोन के लिए जो है मैंने गिवअवे रखा है। गिवअवे में पार्टिसिपेट करना बहुत आसान है, बस मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल पे आपको फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। लाइक टारगेट जो है मैंने इस वीडियो के लिए रखा है 10K लाइक्स हो जाएंगे तो मैं विनर का नाम अनाउंस अपने इंस्टाग्राम पे करूंगा, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। अब इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और सपोर्ट कीजिए आपकी अपनी टेक्निकल रेमेडी फैमिली को।